थोड़ा सा आ जाओ। गुड टू सी यू एवरीवन। नामी अपने आप में बहुत लाजवाब है, सुनामी। कुणाल, आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और दिस होल यू नो जर्नी स्टार्टेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सी हाउ वी स्टार्टेड, आई विल टेल यू। ही इज दिनेरो एश। He's come from USA, and he came and met me. He said, I'm a rapper, I'm a singer, I have got good music and a lot of things. I heard this song, and very first time, पहली बार ही सुन के ऐसा लगा कि यार ये अच्छा song, और उसका song में ही नाम सुनामी है, और तो हमने इसका title भी सुनामी रखा, and it is, हम अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता उस गाने के बारे में क्या है, और इतना अच्छा गाना है, अभी तो poster launch कर रहे हैं, but we'll very soon, बहुत जल्दी ये सॉन्ग भी लॉन्च हो गया, एंड इट इज अमेजिंग सॉन्ग, यू ऑल विल लव इट। जैसे नाम है सुनामी, वैसा ही सॉन्ग है सुनामी। ओके विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, सुनामी और आप यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है देयर आर रीजन यू कांट टॉक अबाउट, बट स्टिल वांट टू नो। और पोस्टर बहुत यू नो बहुत इंप्रेसिव है। एक पोस्टर जब भी कभी किसी प्रोजेक्ट का आता है, इट इज ऑलवेज द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट। टेल अस योर एसोसिएशन विद सुनामी, विद कुणाल मीडिया, विद द ब्रांड। बहुत बार ऐसा होता है ना कि शोरूम में माल अच्छा रखा जाता है लेकिन गोदाम खोखला होता है। इस गाने के साथ वैसा नहीं है, मैंने गाना सुना है, एंड कुणाल पायला वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और ये इन्होंने वादा किया कि अपना चैन मुझे देंगे, तो नाउ इज ऑल्सो क्लोज फ्रेंड ऑफकोर्स किडिंग, बट इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग एंड इज एन अमेजिंग सिंगर। शिवानी जी ऑल्सो इज एन अमेजिंग सिंगर, और गाना आप लोग बहुत जल्द सुनेंगे, बट ट्रस्ट मी ये गाना सुनामी लाएगा। टाइटल की तरह गाना भी बहुत ही बढ़िया है, इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग, सो वॉच आउट फॉर द स्पेस कमिंग सून। Casting plays a very important part. Tell us how you got Payal and other people on board, as you discussed about it. I met Payal not very long, but I think 5-6 महीने पहले ही मिला, और मुझे जब एक गाना सुना तो I immediately related कि इस गाने में तो she fits better and ये perfect बैठेगी, और इनको मैंने देखा है, इनके कुछ और pictures देखे हैं जो pool side के हैं, कुछ beach side के pictures हैं, तो वो परफेक्ट मैच हो रही है, तो आई इमीडिएटली रिकलेक्टेड, मैं बोला नहीं यही कास्ट करेंगे, यही परफेक्ट है। फायर टेल अस योर डिसीजन, हाउ यू केम ऑन बोर्ड, एज यू नो सुना जस्ट सेड राइट नाउ, व्हाट वाज हिज बिलीफ एंड व्हाट वाज योर प्रिपरेशन फॉर सुनामी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि सॉन्ग का नाम सुन के तो पता ही चल रहा है कैसा होगा सॉन्ग, और जब आप लोग वीडियो देखोगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा हुआ है सॉन्ग। क्या टफ था, जब मैं बात करता हूँ, जब मैं पोस्टर हम देखते हैं तो वो एक बड़ी यू नो हैपनिंग सी फीलिंग आती है। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू यू नो डू इन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉन्ग, बहुत हॉटनेस नजर आ रही है पोस्टर में, क्या वो मेंटेन रखी गई है सुनामी की तरह? हाँ ऑब्वियसली सर, ग्लैमर तो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, और अच्छा ग्लैमर दिखेगा, इट इज़ नॉट वल्गर, इट इज़ नॉट विच इज़ अ फैमिली और एक फादर पेरेंट्स अपने बच्चों का नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा, गाना ग्लैमरस होगा और सब मिलके भी देख सकते हैं, और बट इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज़ रियली सुनामी। आई वुड अगेन रिपीट इट, सुनामी गाना सुनामी है, नाम सुनामी है, और गाना भी सुनामी है। Difficult and challenging parts was to name the song, because when I sat down with Kevin and we started composing a song, we didn't know that Tsunami is going to come out, and then we did like a thought process of like a couple of days, we put into it and worked up on the composition and lyrics and stuff. Then समझ में आया कि जिस तरीके से वो flow जा रहा है गाने का, तो सोचा है थोड़ा सा अब सुनामी आ ही जाए हिंदुस्तान में भी। You need to rap them in show. But I think you can rap the. Yeah, you can. You should. I'll just give him a hint. वो जिसमें. I think Goa, Vegas. वो ना मतलब उतना खाली part बोल सकते हैं. No, but you can rap whatever you feel. We can replace. Yeah, that is a nice. Something like Goa हो, Vegas हो या फिर Miami, मैं करता हूँ party ना करते गुलामी, वो लिखते हैं शेर गुलाबों के फूल पे, मैं मिलता हूँ तुमको गोवा के पूल पे। This is just a line, huh? This is बाकी तो अभी गाने में बहुत कुछ है। सुना कब तक गाना पब्लिक डोमेन पे आ जाएगा? This we are launching, जैसे पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों का प्यार है, आप लोग यहाँ आए हो इतनी बारिश में, तो वैसे ही जैसे आप लोग रहोगे और हम इसको और बड़ी तरह से, जब गाना रेडी होगा 1st week of November we are planning, and
इसको बहुत बड़ी तरह से अच्छी तरह से लॉन्च करेंगे और आप लोग तभी भी हमारे साथ ही रहोगे, बिना आपके नहीं होगा लॉन्च। आपके लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट था जब आप शूट करने जा रहे हैं, क्या ब्रीफ है आपको और क्या आपके लिए चैलेंजिंग है? यही था कि ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है तो मुझे बहुत अच्छा करना है एंड अपने आप को बहुत ग्लैमरस दिखाना है। इस गाने में अभी सिर्फ उनका ये नहीं है, शी इज़ अभी दिवाली में एक हफ्ता का उनका एक कोरियोग्राफी सेशन होने वाला है जिसमें वो पूरा उसको वो एक हुक स्टेप है जो हुक स्टेप उसको प्रैक्टिस करना है एंड दैट प्रैक्टिस करने का जब हुक स्टेप बनेगा अब ये अमेजिंग होगा। नहीं इतने सारे लोग जब ऑलरेडी बोल रहे हैं और जब अच्छा काम हो रहा है तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू नो अ बिट मोर अबाउट द सॉन्ग बिकॉज आई हैव हर्ड द सॉन्ग और बहुत अच्छा है। और ये शूटिंग के बारे में जो बातें हैं ये मुझे भी पता चल रही है तो आप ही की तरह मैं भी सुन रहा हूँ कि कैसे ये लोग शूट करने वाले हैं, सो इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। पर मैं ये वादा कर सकता हूँ बिकॉज कुणाल इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा और आप सबको बहुत मजा आएगा एंड फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू टीम सुनामी। सर इसमें एक जन को और ऐड करेंगे प्लीज, बाबू भाई आप आइए, ये हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर है बट ये शर्माते हैं सामने आने के लिए, ये हमारे हिडन सपोर्टर है, इनको एक सामने आइए। और ये हेरा फेरी वाले बाबू भाई नहीं है, ये है बाबू पटेल एंड ही इज पार्ट ऑफ द थिंग बट ये साइलेंट रहते हैं बट इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, दिखते नहीं है बट धमाका करेंगे एंड ही इज पार्ट ऑफ सुनामी। आप कुछ कहना चाहेंगे? इनका कहना ये है बोल नहीं पा रहे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊं जब गाना आएगा तब, ऐसे बोलो आप। एंड वी आर मिसिंग आउट वन पर्सन, शिवानी कश्यप एंड अनदर वन केविन ब्राउन इज नॉट हियर बट इन फैक्ट आगे जो हमारा फिर हम आपसे मुलाकात जब होगी तो आई होप द ऑल सॉन्ग लॉन्च में केविन ब्राउन हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ही विल बी देयर, या ही विल बी देयर प्लस शिवानी कश्यप बिकॉज ऑफ रेन्स शी वाज नॉट एबल टू बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली तो नेक्स्ट जब सॉन्ग लॉन्च होगा शी विल बी आल्सो पार्ट ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई क्या रिएक्शन हो गया ना, मिस्टर मोहित कपूर ये हमारे पूरे गाने का एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग इन्होंने किया है, रैपर का, सिंगर का और इवन द एक्ट्रेस का एंड ही इज वेरी नोन स्टाइलिश। रिसेंटली इन्होंने मीका दी वोटी का भी किया है और ये मीका के सब गानों का यही स्टाइलिंग करते हैं एंड वी आर थैंकफुल कि इन्होंने हमें यस बोला और हमारे साथ जुड़े, हमारे दोस्त भी है और इसीलिए इन्होंने बोला यस ही विल डू द स्टाइलिंग फॉर अस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड मोर ही कैन ही विल इंट्रोड्यूस एंड टॉक अबाउट दिस। ओके मोहित, आपके एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहोगे? और यहां सुनामी का पोस्टर लॉन्च हो रहा है, बाहर भी सुनामी आई है, थोड़ा पानी पानी हो गया है तो मैं बहुत तो नहीं बोलूंगा कि पानी पानी हो गई, गाना हमने थोड़ा चेंज किया है तो अब हमने सुनामी कर दिया पानी पानी की वजह से। गाने को बहुत ही ग्लैमरस वे में हमने स्टाइल किया है बट ना इस टू लुक ग्लैमरस नॉट वल्गर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने बहुत डिफरेंट नियॉन कलर्स का यूज़ किया है। अगर आप जो पोस्टर देखेंगे तो हमने नियॉन ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, उस हिसाब से आपको कुछ एक्सप्रेसिव क्लोथ देखने को मिलेंगे, मे बी यू विल सी लेटर ऑन येलो कलर और मे बी लाउड ग्रीन कलर, तो इस तरह से अलग किए हैं। और रैपर की तो आपको पता है यो लुक होती है तो वही लुक को ध्यान में रखते हुए रैपर्स को एक अलग रैपर वाइब दिया, दैट्स हाउ वी हैव स्टाइल्ड दिस। प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू स्टाइल समवन यू नो, जब सिंगर्स की बात करते हैं हम, यू नो फिल्म्स की बात करते हैं जी, जैसे आपने कहा कि इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया कि शटल रहे वल्गर ना रहे जी, वो और लीडिंग लेडी फाइल मौजूद हैं और कुछ कोई और बोल नहीं सकता कुछ तो उसके लिए क्या ध्यान रखा आपने कि बड़ा शटल लगे और उस तरह से जब मैं पोस्टर देखता हूँ इट लुक हॉट डजंट लुक वल्गर, खास करके क्या ध्यान रखा आपने इस दौरान? जी आपकी हम एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको कपड़े आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए देने चाहिए, ओके आपकी बॉडी के हिसाब से अगर आपने परफेक्ट कपड़े पहने हैं तो वल्गर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी इफ़ यू आर फैट एंड यू आर बीइंग वेरी शॉर्ट क्लॉथ इट विल लुक एक्चुअली वल्गर, तो दैट्स द ओनली थिंग, आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे क्लासिक आउटफिट देना, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम वल्गर टू क्लासिक, सो दैट्स हाउ वी हैव कैप्टन। I requested him a lot. लेकिन इन्होंने एक मिनट में हाँ बोल। तो you didn't request? He asked me भाई ये song करना है, like ठीक है लास्ट ठीक है। Anything else you want to tell the audience? बस अभी तो audience को I'll ask तू थोड़ा wait कीजिए। Tell one line about tsunami. What do you feel? When you hear the word tsunami, what do you feel?
आई रियली लव द सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो कुणाल भाई ने मुझे सिखाया था, हमारे घर पे ही कुछ मीटिंग चल रही थी, किसी और काम के लिए मीटिंग चल रही थी, बट वहाँ पे ये प्रोजेक्ट निकला और वहाँ पे इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे वी आर अबाउट टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग. तो देन आई टोल्ड कुणाल दी कि हाँ द सॉन्ग इज ग्रेट, वाइब्स ऑफ द सॉन्ग इज क्वाइट कूल द वे आई एम, सो लेट्स डू दैट. सुनामी. सुनामी. थैंक यू.